देखिए आजाद साहब, आपने देखा होगा कि जब से भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में एंटर हुई है, ऐतिहासिक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत सत्कार हो रहा है, और जी एक प्रोपोगंडा के तहत राहुल गांधी जी की जो छवि गढ़ी गई थी भाजपा की तरफ से, बीजेपी लीडर्स की तरफ से, कि वो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, जन मुद्दों को क्या जानते हैं, जन भावनाओं को समझते नहीं है, तो भारत जोड़ो यात्रा न केवल उन्होंने ये प्रूफ किया है कि वो भले ही सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हों, लेकिन भारत की भावनाओं को, भारत की आत्मा को, दलित, किसान, मजदूर और आम आदमी के भाव और भंगिमाओं को वो समझते हैं। और आप देख रहे होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में वो सारे प्रोटोकॉल को ध्वस्त करते हुए उन लोगों से मिल जी रहे हैं जो वीआईपी कल्चर में नहीं आते। और आपने देखा होगा कोटा के अंदर और झालावाड़ में, जहां कहीं भी पुलिस ने थोड़ी सी सख्ताई की, वहां उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पर पुलिस राज मत बनाओ, मुझे आम लोगों से मिलना है, मुझे वीआईपी से नहीं मिलना। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो एक सीधा इम्पैक्ट है वो राजस्थान में 2023 में भी दिखाई देगा और 2024 में भी दिखाई देगा। जहां तक पायलट साहब की बात है तो मुझे ये कहने में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, और मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में दो ही सितारे चमक रहे हैं, एक राहुल गांधी और एक सचिन पायलट। बाकी लोग वहां साथ में जरूर चल रहे हैं, लेकिन ग्राफ और जो उनका जो फैन फॉलोइंग जो बढ़ रही है वो ये दो नेताओं के पीछे ही भीड़ है। और आप देख, सचिन पायलट जी को तो आज दौसा में आ चुकी है, दौसा उनका गढ़ है। और आपको सबसे अच्छी बात ये बताऊं प्रदीप जी, जो वट वृक्ष पायलट साहब के फादर बड़े पायलट साहब ने, राजेश पायलट जी ने जो लगाया था, सामाजिक सौहार्द का जो एक वृक्ष लगाया था, जिस तरह से जी दौसा के अंदर 2007-08 में जो आंदोलन हुआ था, गुर्जर आरक्षण आंदोलन, और उसमें दो समाजों को अलग अलग कर दिया गया था, वो समाज कभी एक जाजम पे बैठे थे, भाई की तरह बैठते थे। तो आज उस भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट साहब जी को ये कहना पड़ा कि एक ही नारा देना है, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, बाकी कोई नारे नहीं देने, कोई भी। जोश इतना ज्यादा है कि खुद पायलट साहब मैनेज कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा तसल्ली रख लें, लेकिन भावनाओं पर आप जी जानते हो कि किसी का ज्यादा जी अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल जी पायलट साहब, आप देखना दौसा के अंदर भारी संख्या में लोग, इतनी तादाद होगी कि जहां तक देखोगे ना वहां तक सिर्फ और सिर्फ पायलट समर्थक ही दिखाई देंगे।